हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ पूनम योर मैथ्स टीचर। सो आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज 7.3। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बोला है हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ वर्ड मंडे, अज्यूमिंग दैट नो लेटर्स इज रिपीटेड इफ फोर लेटर्स आर यूज एट अ टाइम। फर्स्ट पार्ट है, एंड सेकेंड पार्ट में आपको बोला ऑल लेटर्स आर यूज एट अ टाइम, एंड द थर्ड वन इज All letters are used, but first letter is a vowel. इस क्वेश्चन में सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 7 कर चुके हैं, 8 कर चुके हैं। ये थोड़ा बहुत उससे सिमिलर है, बट इसमें कुछ पार्ट्स आपको गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हमें करने होंगे। हमें क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड मंडे। इससे पहले वाला क्वेश्चन हमने इक्वेशन का करा था। यहाँ तक अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो ये सेम उसी क्वेश्चन की तरह, उसमें इक्वेशन वर्ड था, यहाँ पे मंडे, यहाँ पे भी आपको बोला हाउ मेनी वर्ड्स, आप ऐसे कितने वर्ड्स बना सकते हैं विद और विदाउट मीनिंग, यानी कि जिस मतलब इस मंडे वर्ड से इनके लेटर्स, इस मंडे वर्ड्स के जो लेटर्स आपको गिवन है, जैसे लेटर्स क्या होते हैं, जैसे आपके एम ओ एन बी ए वाई, मतलब इन लेटर्स का यूज करके विद और विदाउट मीनिंग, यानी कि मीनिंगफुल और मीनिंगलेस, जिनके मीनिंग हो सकते हैं जिनके मीनिंग नहीं भी हो सकते, ऐसे आप हाउ मेनी वर्ड्स बोला, कितने वर्ड्स आप बना सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन सिर्फ इतना होता तो ये सेम उसी की तरह था, लेकिन इसमें कुछ पार्ट्स आपको गिवन है, उसके अकॉर्डिंग आपने आंसर निकालना है। क्या बोला गया उसके आगे, अज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड, मतलब यहाँ पे आपको अज्यूम ये करना है कि रिपीटेशन यहाँ पे अलाउड नहीं। यहाँ पे एक चीज हमको आपको बता दी गई है कि आपने मंडे वर्ड में सपोज आपने एम वर्ड को फर्स्ट बॉक्स में फिल करा या एम को लिया, तो उसका रिपीटेशन आपने दोबारा नहीं करना है। कंडीशन आपको ये दी है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड लिखा है। नो लेटर इज रिपीटेड मतलब कोई भी लेटर आपका रिपीट नहीं होगा। अब हमें फर्स्ट आपके पार्ट के अकॉर्डिंग क्या फाइंड आउट करना है, फोर लेटर्स आर यूज एट अ टाइम। आपसे बोला है कि पहला पार्ट आप कैसे फाइंड करेंगे, आपने फोर लेटर्स आर यूज एट अ टाइम, यानी कि आपने इस मंडे वर्ड से पहला जो आंसर निकालना वो किसके अकॉर्डिंग निकालना है, कितने लेटर्स बना, कितने लेटर्स का वर्ड बनाना, आपने फोर लेटर्स का लिखा ना, फोर लेटर्स आर यूज एट अ टाइम, यानी कि एक टाइम पर आपके चार लेटर से आप कितने वर्ड बना, मतलब आप कितने इस मंडे जो आपके पास मंडे में देख सकते हैं आप कितने लेटर्स है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 लेटर्स है, बट आपने 4 लेटर्स के अकॉर्डिंग बताना है कि 4 लेटर्स से आप कितने वर्ड बना सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास हम पहले इसको परम्यूटेशन फॉर्मूला से भी बताएंगे और दोनों मेथड्स में आपको इसको बताऊंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख देते हैं टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने ये बने, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हमारे पास 6 है। ओके, अब सबसे पहले मैं इसको नॉर्मल जो हमने स्टार्टिंग में सीखा था मेथड उससे बताऊंगी। फोर लेटर का यूज करके वर्ड बनाना है हमने, ठीक है ना, तो हम क्या करना है, फोर लेटर सीखा है तो फोर बॉक्सेस हम बना देते हैं, 1 2 3 एंड 4, मैंने फोर बॉक्सेस बना दिए। अब आप देख सकते हो हमारे पास वर्ड क्या गिवन है, मंडे, एम ओ एन डी ए वाई, मंडे में आप देख सकते हैं एम है ओ है एन, ये टोटल आपके पास कितने लेटर्स है, 6 लेटर्स है, बट हमने इन 6 लेटर में से 4 लेटर वाला एक वर्ड बनाना है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो फर्स्ट वाले बॉक्स में, और कंडीशन क्या दे रखी है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन मतलब रिपीट नहीं कर सकते। अगर आपने एम फिल कर दिया, सपोज आपने पहले बॉक्स में एम फिल करा, तो दोबारा आप एम फिल नहीं कर सकते। ओके, और हमारे पास चॉइसेस कितनी है, 6, 6 हमारे पास लेटर्स रखे हुए हैं, 6 लेटर से मुझे 4 लेटर यहाँ फिल कर देना। अब ये 4 लेटर कोई भी हो सकते हैं आपके पास, एम भी हो सकता है फर्स्ट बॉक्स में, सपोज आपने यहाँ पे एम फिल कर दिया, तो इसकी जो पॉसिबिलिटी है इसको फिल करने की कितनी होगी, 6 वेज, इसके 6 वेज होंगे। अब सपोज मैंने यहाँ पे एम फिल कर दिया, तो देखो एम आपका हट गया, तो फिर कितनी पॉसिबिलिटी बचेगी, 1 2 3 4 5, कितने वेज बचेंगे हमारे पास, 5। फिर सपोज मैंने यहाँ पे सेकंड बॉक्स में मैंने सोचा कि मैंने पहले एम फिल करा, अब मैंने सोचा कि मैंने इसमें एन फिल कर दिया, ओके, अब एन भी चले गया एंड एम भी चले गया, अब कितने आपके वेज बचे, 1 2 3 4, 4 वेज, देन आपके 3। तो आप परम्यूटेशन फॉर्मूला सीधे से लगाएंगे, 6 × 5 × 4 × 3, तो यू विल गेट द आंसर 360। ओके, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 360 आ जाएगा। तो आपने देखा ये हमारे पास जो हम इनिशियली मैंने आपको मेथड बताया था उसके अकॉर्डिंग था। आप परम्यूटेशन फॉर्मूला अगर इसमें अप्लाई करना हो तो वो हमारे लिए ज़्यादा इजी और शॉर्ट रहता है। परम्यूटेशन फॉर्मूला आपसे क्या कहता है
कि चॉइसेस जो आपके पास होती है टोटल टोटल यानी कि जिससे आपने फाइंड आउट करना, टोटल चॉइसेस जो आपके पास होती है वो हमारे पास एन होता है। जैसे मंडे में हमारे पास कितने वर्ड्स हैं, कितने लेटर्स हैं, सॉरी 1 2 3 4 5 6 6 है, तो एन इक्वल टू आपके पास 6 हो जाएगा। ठीक है, परम्यूटेशन फॉर्मूला के लिए हमें एन पी आर इज इक्वल टू चाहिए होता है एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन माइनस का आर फैक्टोरियल, ये हमारे पास परम्यूटेशन फॉर्मूला होता है जिसके लिए हमें एन चाहिए और आर चाहिए। एन हमारे पास 6 हो गया। आर क्या होता है, यानी कि आर मतलब जो आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया, कितने कितने लेटर का वर्ड बनाना है आपने, 4 लेटर से बनाना है, यानी कि मंडे के 6 लेटर से 4 लेटर्स का बनाना है। तो आपके पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4 के लिए आपको पूछा गया है 4 लेटर्स का बनाना है, एन 6 हो जाएगा एंड आर इक्वल टू आपके पास 4 हो जाएगा। तो आप सीधे यहाँ पे से अप्लाई करेंगे एनपीआर, एनपीआर इज इक्वल टू यानी कि 6p, एन की जगह क्या करेंगे 6, आर की जगह 4, तो 6p 4 इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, n फैक्टोरियल यानी कि 6 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r यानी कि 6 माइनस 4 फैक्टोरियल। तो ये कितना हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 में 4 माइनस हुआ 2 फैक्टोरियल। देन इसको बस सॉल्व करना है, 6 इंटू फैक्टोरियल हम ओपन करेंगे, कहाँ तक ओपन करेंगे 2 फैक्टोरियल। तो मैंने हमेशा बताया कि दोनों फैक्टोरियल में से जो ग्रेटर होता है उसको ही हमने ओपन करना होता है, हम इसको 2 फैक्टोरियल पर लाकर रोक देंगे। देखिए 6, 5, 4, 3 एंड 2, मैंने 2 पे आके इसको ब्रेक कर दिया। देन ये 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। अब आप देख सकते हैं ये 6 × 5 × 4 × 3 सेम आ गया ना, इट मींस इसका भी आपके पास 360 आंसर आ जाएगा, यानी कि दोनों ही सेम थे, मेथड अलग अलग थे। तो आप डायरेक्टली इसको अप्लाई करेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा ईजी रहेगा। सेकेंड पार्ट भी देख लेते हैं, मैं इसका हर पार्ट आपको दोनों मेथड से बता दूंगी, आपको जिससे इजी लगता है आप उससे कीजिए, बट मेरे अकॉर्डिंग ये ज़्यादा इजी रहता है। अब इसका सेकेंड पार्ट आपसे क्या बोला है कि ऑल लेटर्स आर यूज एट अ टाइम। देखिए सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, अभी हमें बोला था सिर्फ 4 लेटर आपने एट अ टाइम यूज करना, अब बोला है ऑल लेटर्स, ऑल लेटर मतलब इस मंडे के जो 6 लेटर्स हैं इन सभी को अगर हम यूज करें एक बार में तो आपका वर्ड कैसे बनेगा। तो आप देख सकते हैं ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। ठीक है, सेकेंड पार्ट क्या है, इसके पास मंडे आपके पास, ये मंडे आपको वर्ड दे रखा है, ओके मंडे में टोटल लेटर्स आपके पास है 6, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ दोबारा से, टोटल लेटर्स आपके पास 6 है, तो आप 6 लेटर्स है, तो सबसे पहले आपको इसमें लिखा ऑल लेटर्स आर यूज एट अ टाइम, सारे लेटर्स को आपने यूज कर देना है। तो कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6, सबके सबका यूज करना है, तो कितने बॉक्सेस बनेंगे, 6 बॉक्सेस, मैंने 6 बॉक्सेस बना दिए। ठीक है, अब आप देखेंगे, अब मैंने सपोज इन सारे लेटर्स का आपने यूज करना, ये आपको क्वेश्चन में पता चल गया। तो सपोज पहले वाले बॉक्स में आपने सपोज सोचा कि वाई फिल कर देते हैं, तो वाई फिल कर सकते हो, पहले वाले बॉक्स के पास चॉइसेस कितनी है, 1 2, वाई भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, डी भी, एन भी, ओ भी, एम भी, कुछ भी हो सकता है। तो यानी कि इसके पास पूरे पूरे 6 वेज अभी है। फिर उसके बाद जब एक कोई भी इसमें से अल्फाबेट यहाँ पे लेटर एक आ जाएगा तो एक चॉइस खत्म हो जाएगी आपके पास, फिर 5 रह जाएंगी, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, इस तरीके से आप, तो इसका आंसर आपके पास, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। परम्यूटेशन हमारे पास जो आप प्रॉपर पहले वाले मेथड से करते थे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 720 इसका आंसर मिल जाएगा। मल्टीप्लाई करके देखिएगा, इसका आंसर 720 आ रहा है। अब इसको परम्यूटेशन फॉर्मूला से कैसे करेंगे, उससे तो और ईजी है ये। उसमें आप देखिए, आपको पता है, मैंने आपको बताया था जो आपके पास टोटल नंबर ऑफ लेटर्स है वो आपके पास एन होता है, ओके। आर में क्या होता है, जो पूछा गया है, क्या पूछा गया है, ऑल लेटर्स आर यूज एट अ टाइम, आपने सभी लेटर्स को यूज कर देना, इट मीन्स हमारा आर भी यहाँ पे 6 हो जाएगा, ओके। तो एन पी आर यानी कि एन पी आर की जगह क्या यूज कर लेंगे आप, 6p 6, ओके। तो आप फॉर्मूला अप्लाई करिए, देखिए फॉर्मूला मैं दोबारा नहीं लिख रही हूँ, आपको एन फैक्टोरियल करना है, यानी कि एन कितना है 6 फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर यानी कि 6 − 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 में से 6 गया 0 फैक्टोरियल। आपको बच्चों अच्छे से पता है कि 0 फैक्टोरियल हमेशा क्या होता है, 1, ये मैं आपको ऑलरेडी फर्स्ट इंट्रोडक्शन में बता चुकी हूँ कि 0 फैक्टोरियल आपके पास 1 हो चुका है। जब भी ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था मैंने सब कुछ बताया था फैक्टोरियल के बारे में, जो भी इंट्रोडक्शन, अगर आपको डाउट है तो आप वो देख सकते हैं पुरानी वीडियोज में। तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 1, 6 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, 6 को आप पूरा एक्सपेंड करेंगे, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, एंड ये देखो वही सीरीज आ गई ना, तो इसका आंसर भी आपके पास
720, दोनों सेम है, आप किसी भी मेथड से करिए, मैंने दोनों मेथड आपको बता दी। नाउ अब इसका लास्ट पार्ट है थर्ड पार्ट। देखिए थर्ड पार्ट में आपको क्या बोला गया है, ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज अ वॉवल। आपको ये बहुत अच्छा पार्ट है, मतलब इंपॉर्टेंट है, ये समझने वाला है। ऑल लेटर्स आर यूज्ड, आपने सारे लेटर्स का यूज तो करना है, बट कंडीशन क्या दी है, फर्स्ट लेटर जो पहला लेटर होगा वो आपका वॉवल होना चाहिए। वॉवल मतलब आपको पता होना चाहिए कि वॉवल क्या होते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, वॉवल्स का मतलब होता है ए ई आई ओ यू, ये तो सबको पता होती है बात। आपने सारे लेटर्स का यूज करना, सारे लेटर की जहां बात आती है तो मंडे में आपके पास सिक्स लेटर्स होते हैं, मैंने सिक्स बॉक्सेस बना दिए, 1 2 3 4 5 एंड सिक्स बॉक्सेस। ओके, जैसे ही हमने सिक्स बॉक्सेस बनाए, अब कंडीशन क्या है आपके पास, आपको बोला है कि पहले वाले बॉक्स में वॉवल्स ही आ सकते हैं। वॉवल्स क्या होते हैं हमारे पास, ए ई आई ओ यू। अब आप मंडे वर्ड यहाँ पे लिखिए, मंडे वर्ड जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं, इसमें कितने वॉवल्स का यूज हुआ है, ओनली टू, ओ एंड ए। आप देख सकते हैं ओ है और ए, यानी कि फर्स्ट वाले बॉक्स में डेफिनेटली या तो ओ आ जाएगा या फिर ए आएगा, आएगा तो एक ही आएगा ना, कोई भी एक वॉवल आएगा, ऐसा तो नहीं है कि एक बॉक्स में आप दो इकट्ठे भर देंगे, नहीं। आपने लेकिन चॉइस हमारे पास फर्स्ट बॉक्स के लिए जो है वो कितनी है, टू चॉइसेस है हमारे पास। तो पहले मैं इसको अपने परम्यूटेशन फॉर्मूला से बताती हूँ कैसे हम करते थे, इससे पहले भी हमने कई क्वेश्चंस करे इससे पहले एक्सरसाइज में। तो पहले वाले बॉक्स में आप देख सकते हैं कि इसमें आपके पास मंडे में ओ और ए दो वॉवल, यानी कि एन हमारे पास चॉइस कितनी है, जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस होती है वो एन होता है, आपके पास कितनी है, वो टू है। ऊपर एन होता है, देन पी होता है, फिर आर। अब आर हमने देखना, अब आर आपके पास जो यहाँ पे फिल होगा, या तो ओ फिल होगा या फिर ए फिल होगा, दोनों में से एक ही चीज, एक ही अल्फाबेट आएगा ना, एक ही लेटर आएगा, तो आर हमारे पास हो गया यहाँ पे वन, ये हो गया। अब बचे हमारे पास बाकी के फाइव बॉक्सेस। अब बाकी के फाइव बॉक्स बहुत इजी है, देखो बच्चों, अगर आपके आपने कोई भी एक वॉवल यहाँ पे फिल कर दिया, सपोज मेरा माने मैं यहाँ पे ओ फिल कर दिया, सपोज थोड़ी देर के लिए मैंने माना कि मैंने यहाँ पे ओ फिल कर दिया, अब ओ चले गया तो कितने बचे नंबर ऑफ चॉइसेस आपके पास, देखिए अगर ओ हट गया आपके पास तो आपके पास कितने बचे, एम एन डी ए वाई, यानी कि 1 2 3 4 5, फाइव चॉइसेस बची। तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस जो होती है वो आपका एन होता है, एन हो गया आपके पास फाइव। पी आर, आर मतलब आपने एन, तो आपके पास टोटल चॉइसेस फाइव हो गई। अब यहाँ पर आपके पास मतलब इन पांचों में से कोई भी आ सकता है। आर क्या होता है, जो आपने यहाँ पे फिल करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मेरे पास आर जो होंगे, एन टोटल चॉइसेस होगी और आर हमारे पास जो यहाँ पे फिल किए जाएंगे कितने हैं, 1 2 3 4 5, वो भी आपके पूरे फाइव के फाइव हो जाएंगे, है ना। हमारे पास टोटल नंबर चॉइसेस फाइव थी, लेकिन हमारे पास फिल कितने करने हैं लेटर्स, हमने बॉक्सेस कितने हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितने बॉक्स था, वन बॉक्स था, तो वन आया था। यहाँ पे जो फिल होना था वो एक ही लेटर होना था ना, यानी कि एक ही बॉक्स था। यहाँ कितने बॉक्स है, फाइव है, तो फाइव, तो दोनों को फिर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो उसको सॉल्व करना है, इसको कैसे करेंगे, n फैक्टर क्या होता है हमारे पास, npr का फॉर्मूला, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस का r फैक्टोरियल। तो n यहाँ पे क्या है, 2 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r, यानी कि 2 माइनस 1 फैक्टोरियल, इनटू सिमिलरली यहाँ पे लगा देंगे हम 5 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r, 5 माइनस 5 फैक्टोरियल। ओके, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास आंसर, देखिए 2 फैक्टोरियल को मैंने एज इट इज रखा, 2 में से 1 माइनस हुआ 1 फैक्टोरियल, इनटू ऊपर 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 में से 5 गया 0 फैक्टोरियल हो गया आपके पास। तो ये आंसर कितना आया, 2 फैक्टोरियल को मैं फिलहाल अभी एज इट इज रख रही हूँ, या 2 को ओपन कर लेते, 2 इंटू 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं हम, नीचे से 1 फैक्टोरियल को कैंसिल आउट कर देंगे, और 5 फैक्टोरियल अभी मैंने एज इट इज रखा, ये कैंसिल आउट हुआ, 2 इंटू 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल को अब यहाँ से ओपन कर देंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, क्या करा, 2 फैक्टोरियल को ओपन करा, 2 इंटू 1 फैक्टोरियल में ब्रेक कर दिया, 1 फैक्टोरियल से 1 फैक्टोरियल कैंसिल। अगर हम इसे कैंसिल नहीं भी करते तो आपको पता है 1 फैक्टोरियल तो आपने 1 ही हो जाना है, तो ओवरऑल आपका ऊपर 2 ही रहता, 2 को बस आपने 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देना, 5 फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर देंगे, तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा आपके पास, 240। आप इसको मल्टीप्लाई करके देखिएगा, 2 5 10 10 4 40 43 120 122 240। तो ये तो था हमारा परम्यूटेशन फॉर्मूला से। आप इसको अगर डायरेक्टली करा जाए तो भी बहुत इजी था, आप सीधे से पहले मंडे में आपके सिक्स लेटर है तो सिक्स बॉक्सेस बना देंगे, सिक्स बॉक्सेस बनाने के बाद आपको पता पहले वाले बॉक्स में वॉवल आना है, वॉवल आपके पास मंडे में कितने हैं, दो मिल रहे, तो इसमें चॉइसिस कितनी है हमारे पास, टू वेज। देन
आप दो तरीके से इसको भरा जा सकता है पहले बॉक्स को, लेकिन फिर तो एक ही नंबर, एक ही लेटर आएगा ना, तो इस वाले के लिए कितनी चॉइसेस बच जाएंगी? पूरी की पूरी फाइव, यानी कि सिक्स थे लेटर पूरे टोटल मंडे में से, सिक्स में से एक लेटर यहां पर आ गया, तो एक माइनस हुआ, तो इसके लिए फाइव, फिर फोर, देन थ्री, फिर टू, फिर वन, देन देखिए आप देखेंगे यही सीरीज आपको दोबारा से मिल जाएगी, फोर थ्री टू एंड वन, तो ये वाला आंसर आपके पास 240 आपको आंसर मिल। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।